नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइट यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे थ्री स्पीड मोटर के जो फोर वायर होते हैं उनका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं कि हमारी जो मोटर है वो थ्री स्पीड में वर्किंग करे। कहने का मतलब ये है कि इस मोटर में आपको किसी प्रकार का रेगुलेटर लगाने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक स्विच होता है जो इसको थ्री स्पीड मोटर बनाता है। यदि आप इसमें वेरिएबल रेगुलेटर लगाना चाहते हो तो वो भी लग सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा। उसके पहले इसमें जो कलर कोडिंग होती है उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप जरूर देख लीजिए। यदि वो वीडियो आपने नहीं भी देखा हो तो भी ये वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप मोटर में देख रहे हो उसमें कलर कोडिंग है, हर वायर का एक कलर है और उसी हिसाब से वायर है उसका एक स्पेशल वर्किंग होता है। उस प्रकार से ये है जो अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि चार वायर है, इसमें से एक वायर कॉमन होता है, बाकी तीन जो वायर होते हैं वो स्पीड के होते हैं। तो जो ब्लू वायर होता है वो हमेशा ही कॉमन होता है और तीन वायर जो स्पीड के वायर होते हैं। तो जो आप स्क्रीन पे अभी जो देख रहे हो ये एक स्विच है, इसमें पहले से वायर कनेक्ट हुए आते हैं और कोई कोई से स्विच में नहीं भी आते हैं, तो लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें जो जहाँ पर स्पीड के वायर होते हैं वहाँ पर एक नंबर डले हुए होते हैं, कुछ भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है, L1 से भी स्टार्ट हो सकता है वो। लेकिन इस स्विच में जो आप देखोगे उसमें सिंपल 1, 2, 3 स्पीड है और जो कॉमन है वहाँ पे P लिखा हुआ है। और जो आप व्हाइट कलर का जो रेगुलेटर देख रहे हो वो वेरिएबल रेगुलेटर है और जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो वो रेगुलेटर नहीं, एक प्रकार का स्विच है जो अलग अलग वायर में पावर सप्लाई करता है। तो जो स्विच है मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ। अधिकतर क्या होता है कि इसमें थ्री स्पीड मोटर में अधिकतर आपको ये अलग स्विच मिलता है और ये स्विच थोड़े समय बाद ख़राब हो जाते हैं, तो उसको आपको चेंज करना हो। वैसे अच्छे लगाओगे कंपनी की तो ख़राब नहीं होते। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का स्विच है, मुझे मार्केट में नहीं मिला, मैं यही लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि किस प्रकार से वायरिंग होती है। तो जो वायरिंग होती है जिसमें आपको नंबर मिलते हैं, जैसे कि आप जो स्विच देख रहे हो उसमें चार पॉइंट दिख रहे हैं, उसमें से एक कॉमन है, लेकिन जो बाकी की जो तीन है वहाँ पे नंबर डले 1, 2, 3। तो आप इसमें जो स्पीड वाले वायर है, जैसे रेड वायर जो है वो लो स्पीड का है, वाइट वाला मीडियम का है, जो ब्लैक वाला है वो हाई स्पीड का है। तो यदि आपको कलर कोड देखना हो तो मोटर में भी लिखा रहता है कि कौन सी स्पीड का कौन सा वायर है। और जो ब्लू वायर होता है मोटर का वो कॉमन होता है, लेकिन जो स्विच का आप देख सकते हो स्विच में भी एक ब्लू कलर का वायर है, वो भी कॉमन वायर है। तो आप देख सकते हो एक वायर मोटर का बचा है और एक वायर स्विच का बचा है। तो इसी दो वायर में हम 230 वोल्ट की पावर सप्लाई करेंगे और जो हमारा स्विच है और जो मोटर की वायरिंग है वो बढ़िया तरीके से काम करेगी। आप इसमें तीन प्रकार की स्पीड ले सकते हो। तो कहने मतलब इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल वायरिंग होती है और जो हमारी मोटर है ये बिना रेगुलेटर से इसकी स्पीड कंट्रोल होगी, क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग ही इस प्रकार से की जाती है कि थ्री स्पीड मोटर कहलाती है। और इसमें मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, कूलर में भी आपको इसी तरह से वायरिंग करनी है, लेकिन आपको इसमें स्विच लगाना है तो आप स्विच लगा सकते हो। आप देख सकते हो पिन में जो दो वायर आउटपुट है रेड और ब्लू, इसके बीच में आप कहीं भी जहाँ पर फेस आता हो वहाँ आप स्विच लगा सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, ये जो मोटर है वो काम कर रही है। इसमें ब्लेड कनेक्ट नहीं है इसलिए आपको तीनों स्पीड एक जैसे ही नज़र आएगी, आवाज़ में भी कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि इस पर लोड नहीं है, इसलिए मोटर की स्पीड वही रहेगी। यदि इसमें लोड होगा तो ये मोटर अपनी स्पीड में काम करेगी जो स्पीड में आप इसमें रखना चाहोगे। इसके बाद में एक सिंपल रेगुलेटर आता है, वो आप इस पर कैसे कनेक्ट कर पाओगे जबकि हमने इसमें थ्री स्पीड मोटर है। यदि आपको थ्री स्पीड मोटर का ये स्विच नहीं कनेक्ट करना, आपको वेरिएबल रेगुलेटर कनेक्ट करना हो तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे? ये हमारे वेरिएबल रेगुलेटर वही रेगुलेटर जो फैन में लगता है मोटर में लगता है, लेकिन इसकी पावर अलग होती है। आप कूलर की मोटर हाई पावर की है, ज़्यादा वाट की है, तो उसमें आपको 1500 वाट या 1000 वाट या 2000 वाट का भी रेगुलेटर लगाना पड़ सकता है। तो ये जो मोटर है इसमें 1500 वाट का रेगुलेटर सफिशेंट है। तो इसमें जो आप देख रहे हो मैंने दो वायर है उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, तो मैं इसको टेपिंग कर देता हूँ। ये दो वायर लो स्पीड और मीडियम स्पीड के हैं, वो हमारे बिल्कुल काम के नहीं। आपको एक हाई स्पीड का वायर लेना है और एक कॉमन वायर लेना है। तो हाई स्पीड को ही आप लो बना सकते हो और उसी को हाई स्पीड भी बना सकते हो। यदि आपने लो स्पीड का वायर ले लिया है तो आप उसको और लो कर दोगे, लेकिन हाई करने की बारी आएगी तो ज़्यादा हाई नहीं होगा क्योंकि वो हाई स्पीड वाला वायर नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें भी बिल्कुल ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। जैसे हम फैन में रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हमने कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो लो स्पीड के वायर थे वो हमने हटा दिए, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उसको बढ़िया तरीके से टेप लगा के अलग से रख देने का है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सिंपल रेगुलेटर लगाना हो या थ्री स्पीड जो स्विच आता है जो उसकी वायरिंग मैंने आपको इस वीडियो में बता दी और रेगुलेटर कैसे कनेक्ट करना हो तो ये वीडियो भी बना दी। आपकी कमेंट पर ये वीडियो था, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इसको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।